अस्सलामवालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करें कि HBL सेविंग्स अकाउंट के बारे में, और ये कि HBL सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो उस पर आपको मंथली प्रॉफिट कितना मिलता है। तो हमारे सामने जो रेट लिस्ट है, ये बेसिकली इस मंथ की, इस बेसिकली लास्ट 6 मंथ्स की है, जुलाई के बाद की। तो ये आपको बता रही है कि इस वक्त जो हमारा मॉनेटरी रेट डिफाइन हुआ हुआ है बैंक की तरफ से, तो उसकी बेस के ऊपर मंथली प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता है अगर आप HBL के अंदर 1 लाख रुपये रख पाते हैं। तो उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, ये है, आप देख लें यहाँ पे। सबसे पहले तो ये आपकी जुलाई के बाद की है, और ये इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक चलता रहेगा। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के अकाउंट होती हैं HBL के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है PLS सेविंग अकाउंट। PLS सेविंग अकाउंट के अंदर आपको पता है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको 6 मंथ्स के बाद मिलता है, ठीक है। अब होगा ये कि आपको मिल तो इस वक्त 20% का इंटरेस्ट रेट रहा है। यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और सिंप्लीफाइड इंटरेस्ट रेट के अंदर तो दो चीज़ें आपको मालूम पहले ये करनी है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पास लगेगा अगर आपके बैंक के अंदर 1 साल से ज़्यादा पैसा रहेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंक्लूड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये शामिल नहीं होगा इसके अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के अंदर आपका 20.50% इस वक्त आपको मिल रहा है, और ये बैंक आपको इस यानी कि अगर आप आज पैसा रख पाते हैं तो 1 महीने के बाद ये कैलकुलेट आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये रहेगा 3 दिसंबर 31 तक। उसके बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा रिवाइज होगी, तो उसके बाद नया रेट आएगा, उसकी बेस पर कैलकुलेशन होगी। PLS सेविंग्स के अंदर अगेन आपके बैंक के अंदर पैसे जो हैं वो सिर्फ या 30 जून को आते हैं, 31 दिसंबर को आते हैं, जितने भी आपकी टोटल कैलकुलेशन होती है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप इस वक्त मत करवाएं इसके अंदर। ज़्यादा बेहतर है कि आप मंथली अकाउंट खुलवा लें कोई भी। हमारे पास फिर आता है सेकेंड HBL मनी क्लब, जो कि अंडर 18 के लिए होता है। उसमें भी आपका रेट सेम आ रहा है। अगेन इसका इंटरेस्ट रेट जो है इफेक्टिव वो 22.5% है। ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। आपको ये रेट मिलेगा जब आप बैंक जाएंगे, उसके बाद भी एफडी टैक्स आपका कटता है। फिर आपके पास HBL वैल्यू अकाउंट है, ये आपको देता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको रेट मिल रहा होगा, और 20.50 का ही रेट मिलेगा अगर आपके पास कोई भी रकम 1 रुपये से ज़्यादा की है। अगेन ये मैं प्रेफर नहीं करता आप खुलवाएं, ज़्यादा बेहतर है आप या तो ये खुलवा लें डेली मुनाफा स्कीम, जो कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर पैसा देती है, या फिर आप प्रोग्रेसिव अकाउंट खुलवा लें। कोई भी ऐसा अकाउंट खुलवाएं जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर रिटर्न दे रहा है। जैसे कि डेली प्रोग्रेस अकाउंट आपका ये वाला है, इसमें आपके पास जो भी अमाउंट होगी 1 रुपये से ऊपर, उसके ऊपर 20.51% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा होगा। अगर आपके पास डेली मुनाफा अकाउंट है, 20.51% का मिल रहा होगा रिटर्न, वो भी डेली बेसिस के ऊपर। फिर आपके पास आती है बहाना आमदनी अकाउंट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इन्होंने स्लैब्स बनाए हुए हैं, 0 यानी कि 1 लाख के अंदर इतना इंटरेस्ट रेट है, मगर ये चेंज नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर फिलहाल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही खुलवा सकते हैं कोई भी। डेली मुनाफा खुलवा लें ज़्यादा बेहतर है, सबसे ज़्यादा इस वक्त ये अच्छा चल रहा है। अगर आप नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो आपका डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आप साल के ऊपर खुलवाते हैं तो आपको HBL एडवांटेज अकाउंट के ऊपर कितना मिल रहा है, ये मंथली बेसिस के ऊपर मिल रहा है, क्वार्टरली पे कितना मिल रहा है, और 6 मंथली पे कितना मिल रहा है। अगेन ये सारे डिफरेंट अकाउंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर नीचे आ जाते हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट है। फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर आप नहीं रखवाते हैं बैंक के अंदर तो आपको 1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ज़्यादा रखवा रहे हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यूरो के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो ये तो रखवाने का फ़ायदा ही नहीं है। फॉरेन करेंसी कभी भी आप बैंक में नहीं रखवानी चाहिए, क्योंकि कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता उसके ऊपर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी टोटल जो भी अकाउंट्स के बारे में आपको मैंने बताया कि भाई इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है। फिर अगर एक और चीज़ होती है, अगर रेमिटेंस के लिए आपने कोई अकाउंट खुलवाया हुआ है तो रेमिटेंस अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं सेविंग्स के तौर पे। उसके ऊपर आपको 19.50 का इंटरेस्ट रेट मिलता है मंथली बेसिस के ऊपर, अगर वो रेमिटेंस आपके अकाउंट में पड़ी हुई है। अगेन ये वाला आपको बैंक से मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूजुअली जो इंटरेस्ट रेट होता है आपको साल के बाद या फिर 6 मंथ्स के बाद मिलता है, मंथली बेसिस के ऊपर नहीं मिलता। कैलकुलेट होता है मंथली बेसिस के ऊपर मगर मिलता नहीं है। तो ये था एक टोटल ओवरव्यू जो कि इस वक्त अकाउंट्स हैं HBL के अंदर। अगर आप करवाते हैं तो उनके ऊपर आपको
एवरेज कितना रिटर्न मिल रहा होगा इंटरेस्ट के हिसाब से 1 लाख के ऊपर। और अब आ जाते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। डेली मुनाफा अकाउंट एग्जाम्पल लेते हैं, 20.51 का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 लाख रुपये अगर हम आ रहे हैं इसके अंदर। तो आपको यानी कि सॉरी अगर आप 1 लाख रुपए रखवा रहे हैं इसके अंदर, तो आपको 20,510 रुपये मिल रहे हैं साल के एंड में। इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो आपको 1,709 रुपये यानी कि तकरीबन 1,700 रुपये आपको मिल रहे होंगे मंथली बेसिस के ऊपर 1 लाख के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अमाउंट यहाँ पे 50,000 रुपये आपको मंथली मिले, तो होना ये चाहिए कि आप यहाँ पे लेट से 30 लाख यानी 30 लाख आप रखवाएंगे इसके अंदर। तो इसके ऊपर जाके आपको साल के एंड में 6 लाख रुपये मिलेगी। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं बाय 12, तो ये 50,000 रुपये आपके बनते हैं। तो 30 लाख रुपये आपके बैंक में होने चाहिए, उसकी बेस के ऊपर आपको मंथली 50,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा होगा इस अकाउंट के थ्रू। ये सिंपल टर्म्स के अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है कितना आपको अमाउंट रखवाना पड़ेगा बैंक के अंदर HBL के अंदर, और उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट टोटल मिल रहा है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि भाई कौन सा इसमें से अच्छा अकाउंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और टोटल आपको जो अमाउंट चाहिए उस हिसाब से गोल जो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हमने बताया कि भाई HBL के टोटल प्रॉफिट रेट कैसे हैं, और उसकी रेट लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी है, और इसमें कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है।